बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक को आप सब देख सकते हैं फेसबुक और यूट्यूब से, तो फेसबुक पे लाइक कमेंट शेयर फॉलो जरूर करें। यूट्यूब पे बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कराना भूलें। वहीं पे आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं www.astrotak.com पे लॉग ऑन करके, यहाँ पर जुड़ करके पूछ सकते हैं प्रश्न कॉल के द्वारा भी, और साथ ही साथ अपना प्रश्न आप मुझे लिखकर भी भेज सकते हैं। आज 28 अप्रैल 2022 दिन है बृहस्पतिवार का। आज के दिन अगर आज के पंचांग की बात की जाए तो वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी। ये तिथि सारा दिन रहेगी। रात्रि काल यानी 29 अप्रैल लग चुकी होगी, 12:27 पे समाप्त हो जाएगी और चतुर्दशी तिथि आरंभ हो जाएगी। वहीं पे नक्षत्र रहेगा, उत्तरा भाद्रपद का नक्षत्र रहेगा शाम के 5:40 तक। इसके बाद रेवती नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। राहु काल की बात कर ली जाए तो राहु काल का समय जो रहेगा वो रहेगा दोपहर के 2 बजे से लेकर के दोपहर के 3:36 तक का समय। चंद्रमा मीन राशि में गोचर करेंगे। चलिए बात करते हैं क्या कहते हैं आपके टैरो कार्ड्स, क्या कहते हैं करिश्मा के करिश्माई पत्ते। बात करेंगे सबसे पहले मेष राशि के जातकों की। मेष राशि की बात करें तो आपके कार्ड्स आ रहे हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, वहीं पे एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। आज किसी चीज़ को लेकर के नकारात्मक हो सकते हैं। वहीं पे रिलेशनशिप को लेकर के समय अच्छा रहेगा। करियर में कहीं ना कहीं परेशानी आ सकती है। आपके लिए उपाय रहेगा आज के दिन भगवान विष्णु जी की उपासना करें, विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करें। बात करेंगे अगली राशि की। हम बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के लिए कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ कप्स, वहीं पे 8 ऑफ सॉर्ड्स और इसके साथ साथ कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। आज कोई पुरानी विश पूरी हो सकती है। इसके अलावा काम में आज स्टक रहेंगे। धन को लेकर के लापरवाही हो सकती है, इसलिए धन को लेकर के लापरवाही नहीं करनी है। आपके लिए सही रहेगा आज के दिन यदि आप चंदन का दान करें, लाभ प्राप्त होगा धर्म स्थान पे। बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के लिए कार्ड आए हैं द मैजिशियन, द डेविल और सांसर नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आज कठिन परिश्रम का परिणाम आपको बहुत अच्छा मिलेगा, धन को लेकर के स्थिरता आएगी। मगर आज के दिन नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना है। किसी ऐसे व्यक्ति से बच के रहना है जो आपकी लाइफ में अननेसेसरी अनवांटेड इंटरफेयर करता हो। आपके लिए उपाय सही रहेगा यदि आज के दिन भगवान विष्णु जी को पान के ऊपर सुपारी रख करके अर्पित करें। बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के लिए कार्ड आए हैं द डेथ, साथ साथ कार्ड आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स, वहीं पे द चैरियट। आज कार्य क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा, मगर वहीं पे कोई ऐसी न्यूज़ मिल सकती है जो किसी चीज़ को अंतिम चरण पे लेकर के आए। वहीं पे आपको भूमि से संबंधित लाभ प्राप्त हो सकते हैं। घर आज के दिन रिनोवेशन कराना शुरू कर सकते हैं। आपके लिए उपाय रहेगा यदि आज के दिन आप लोग भगवान विष्णु जी की उपासना करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें, लाभ प्राप्त होगा। बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के लिए कार्ड आए हैं द सन, साथ साथ 4 ऑफ सॉर्ड्स, इसके साथ साथ 3 ऑफ कप्स। आज का दिन काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। रिश्तों में मधुरता आएगी। अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे तो उससे कुछ ना कुछ खुशखबरी आ सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलिएगा, लाभ प्राप्त होगा। बात करेंगे आप लोगों के उपाय की तो लाल पुष्प आज के दिन भगवान विष्णु जी को अर्पित कीजिएगा। बात करेंगे कन्या राशि की जातकों की। कन्या राशि के लिए कार्ड्स आए हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, वहीं पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स और इसके साथ साथ पेज ऑफ सॉर्ड्स। आज लापरवाही अधिक हो सकती है, रिश्तों को लेकर के सुधार आएगा। वहीं पे माता या माता जैसी महिला का सपोर्ट बना रहेगा जो कि एक आपकी लाइफ में डिक्टेटरशिप की भूमिका निभाएंगी। बात करेंगे आप लोगों के उपाय की तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा तुलसी पत्र की माला बना करके भगवान विष्णु जी को अर्पित करें। बात करेंगे अगली राशि की, तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के लिए कार्ड्स आ रहे हैं 10 ऑफ सॉर्ड्स, वहीं पे 2 ऑफ पेंटिकल्स, द मून कार्ड आ रहा है। कोई चीज़ आज के दिन खत्म हो सकती है। वहीं पे धन को लेकर के बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की जरूरत है, कंजूसी से ध्यान में रख के चलिएगा। वहीं पे अपनों से बच के रहिएगा, कोई ना कोई व्यक्ति आपका अपना धोखा दे सकता है। आपके लिए उपाय सही रहेगा यदि आज के दिन आप भगवान विष्णु जी को पीले फल अर्पित करें। बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के लिए कार्ड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं 7 ऑफ सॉर्ड्स, वहीं पे द हायरफेंस, एम्परर। क्रोधित हो सकते हैं किसी चीज़ को लेकर के, जानबूझ के कोई गलत काम कर सकते हैं जो कि आपको भी पता हो ये कार्य ठीक नहीं है। बड़ों का आशीर्वाद आज के दिन लेना आपके लिए ठीक रहेगा। आपके लिए उपाय सही रहेगा यदि आज के दिन गुड़ दान करें, लाभ प्राप्त होगा। बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के लिए कार्ड आ रहे हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स, वहीं पे द टावर, द स्टार कार्ड आ रहे हैं। आज के लिए थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है पैसों को लेकर के। स्थिरता धन में आएगी जरूर, मगर अनावश्यक धन खर्चा हो सकता है। शाम के समय में मूड स्पॉइल हो सकता है किसी चीज को लेकर के। आपके लिए उपाय सही रहेगा यदि आज के दिन आप लोग भगवान विष्णु जी को पीले वस्त्र अर्पित करें।
बात करेंगे अगली राशि की, बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के लिए कार्ड्स आए हैं सिक्स ऑफ सॉट्स, वहीं पे एट ऑफ कप्स और साथ साथ कार्ड आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। आज किसी चीज़ को लेकर के लापरवाही हो सकती है, करियर को स्पेशली, वहीं पे यात्रा हो सकती है, कहीं पे अपनों से दूर जाना पड़ सकता है कार्य क्षेत्र में। आपके लिए उपाय सही रहेगा कि आज के दिन लौंग अर्पित करें भगवान विष्णु जी को। बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के लिए कार्ड्स आए हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस और साथ साथ पेज ऑफ कप्स। आज रिश्तों को लेकर के लापरवाही हो सकती है, मगर कार्यस्थल पे लाभ प्राप्त होगा। कोई कार्य क्षेत्र में महिला आपसे बड़ी उम्र की आपको आज के दिन सपोर्ट कर सकती है। आपके लिए उपाय सही रहेगा यदि आज के दिन आप लोग सुपारी भगवान विष्णु जी को जरूर लगाएं पीले पुष्प के साथ। बात करेंगे अंतिम राशि की यानी मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के लिए कार्ड आए हैं नाइट ऑफ सॉट्स, द वर्ल्ड, साथ साथ कार्ड आया है द हाई प्रिस्ट्रेस का। आज का दिन काफी हद तक अच्छा रहेगा, अधूरे काम पूरे होंगे, आज यात्रा पे जा सकते हैं, जल्दबाजी में कार्य कर सकते हैं, जल्दबाजी में कार्य करने से आज के दिन बचिएगा, लाभ प्राप्त होगा। बात करेंगे आप लोगों के उपाय की, तो आज के दिन आप विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ जरूर करें। चलिए बात करेंगे अंतिम टिप ऑफ द डे की। आज बृहस्पतिवार का दिन है, आज के दिन यदि आप गौशाला में गौ माता को चने की दाल गुड़ के साथ मिलाकर के खिलाएं तो आपकी कुंडली में बैठा हुआ बृहस्पति भी स्ट्रांग होगा और साथ साथ आपके जीवन में खुशियां भी आएंगी। फिलहाल के लिए देखते रहिए करिश्मा के करिश्माई पत्ते। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय श्री राधे।